हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम एनवेलोप को पढ़ रहे थे और एनवेलोप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लीजिए कि एनवेलोप के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, जटिल क्वेश्चन नहीं है। आपके माइंड में ये फिक्स कर लें कि एनवेलोप का जब भी क्वेश्चन कर रहे हो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आपको प्रूफ करना है। देखो, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं मैं, आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड था वो क्या था देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सेकंड देखिए। y cos थीटा माइनस x sin थीटा इक्वल टू, सब बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन को तो थोड़ी जगह बच जाएगी और, चलो और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। देखिए, ये है अपने पास y cos थीटा माइनस x sin थीटा, आगे चलें, इक्वल टू a माइनस a, और sin थीटा एंड log tan, ध्यान देंगे, log tan थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, जहाँ थीटा प्राचल है। सभी समझिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एक बार वापस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे सुनिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y cos थीटा माइनस x sin थीटा इक्वल टू a माइनस a sin थीटा log tan थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। प्लीज बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, सभी का ध्यान बोर्ड पे, क्या किया मैंने, sin थीटा का डिवाइड किया। तो देखिए, दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में sin थीटा का क्या करने पर भाई बच्चों, भाग देने पर, मैंने दोनों पक्षों में sin थीटा का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक बात बताइए बच्चों, यहां पर हम बात करें तो क्या आएगा, y, यहां ध्यान दीजिए, y cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस x sin थीटा अपॉन क्या होगा आपका पास यहाँ पर sin थीटा का डिवाइड, फिर इक्वल टू a अपॉन sin थीटा, फिर अगला देखो a sin थीटा अपॉन sin थीटा log tan थीटा बाई टू प्लस k पाई बाई फोर। बताओ भाई, आप खुद देख लीजिए, क्लियर है बिल्कुल, किया क्या आप लोगों ने बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा का प्रत्येक स्टेप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है, इस बात पर गौर करना आप लोग सभी। देखो, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा, ये सॉरी ये नहीं कट रहा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा चला गया, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। आप बताइए, y cot थीटा माइनस x इक्वल टू a cosec थीटा माइनस a log tan थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, यही थी टर्म आपके पास, देख रहे हो बच्चों, आप लोग देख लीजिए, आपने साइन थीटा का डिवाइड किया तो साइन से साइन कैंसिल, इधर से साइन कैंसिल, आपके पास ये टर्म आ गई, जहाँ पर थीटा क्या है, प्राचल है। तो समीकरण नंबर एक डाल दी मैंने, दिख रही होगी, बताओ इक्वेशन दिख रही है, कोई दिक्कत है इसमें। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग तो देखिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, किसका, फर्स्ट का पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, थीटा, एंड वी गेट, एक बात बताओ, थीटा की रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या आएगा, वाई, आप समझदार हो, कॉट थीटा का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक्स का जीरो हो गया, बराबर
ए, कोसेक का होता है माइनस के कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस ए लॉग टेन। टेन का क्या होता है, लॉग का क्या होगा पहले, टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले लॉग का करोगे ना आप, तो लॉग का करोगे तो क्या लिखोगे, वन अपॉन टेन। क्या लिखोगे बच्चों, वन अपॉन टेन। तो बताओ ए अपॉन टेन हो गया, आगे बढ़ा थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अब किसका करोगे, टेन का। टेन का क्या होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। भाई टेन का तो यही होगा, sec स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। बच्चों ये बताओ थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर का करोगे तो पाई बाई फोर का जीरो और थीटा बाई टू का क्या निकल के आएगा, वन बाई टू। तो मैंने टू ले लिया। पहले तो ये बात बता दीजिए, समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान देंगे आप, कोट का माइनस cosec स्क्वायर थीटा, क्लियर है। दूसरा देखो, x का जीरो हो गया, a cosec थीटा, तो a कॉन्स्टेंट था, cosec थीटा का हो गया माइनस के cosec थीटा कोट थीटा। ए एज इट इज है लॉग टेन, टेन का वन अपॉन मतलब लॉग का वन अपॉन, फिर टेन का sec स्क्वायर और इसका किया तो ये जीरो और ये वन बाई टू। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एनवलोप के क्वेश्चनों को सबसे बड़ी चीज़ रहती है समझना। यदि आपको वो चीज़ समझनी है ना, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे एक स्टेप समझिए, समझने के बाद वही कम बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर पाओगे। बच्चा सोचता है सर इतना टाइम लग गया है एक क्वेश्चन में, हम कैसे कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। जब आप उसी क्वेश्चन को सेकेंड टाइम सोल्व करोगे तो आपका समय कम हो जाएगा, धीरे धीरे इतना हो जाता है कि आधा समय लगेगा उसमें। तो ये बात है आप लोग, इसलिए समझते हुए लिखें पहले और समझें। अब आप देखिए माइनस के वाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। देखिए माइनस का ए आप जानते हो टू एज इट इज, ये बन गया साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, और ये क्या बन गया, देखो साइन बटे कॉस होगा तो ये कॉस ऊपर चला गया, थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सेक था तो वन अपॉन में आ गया, तो वन अपॉन में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। आप बताइए कॉस से ये एक कॉस आपका कैंसिल हो गया, हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा साइन टू थीटा, क्या होता है फॉर्मूला साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक इसको बताता है साइन टू थीटा को, क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या बन रहा है टू साइन ए कॉस ए, तो साइन टू में बदल गया ना, तो मैं इसकी बात करता हूँ और आगे चलता हूँ, एक स्टेप मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। वाई माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इधर क्या बचा, सुनिए ध्यान से, ए अपॉन साइन टू थीटा, तो देखो ए अपॉन साइन टू थीटा माइनस का ए अपॉन साइन टू थीटा, थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए आप लोग। एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर जाएगा ना टू, तो देखो क्या बनेगा, देखिए पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान देंगे, माइनस का वाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये बन गया माइनस का ए साइन टू थीटा का मतलब हो गया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, क्लियर है बिल्कुल। आप जानते हो इसका मान क्या होता है, माइनस वाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस ए अपॉन कॉस थीटा। बताइए, मैं आपसे बार बार इस बात पर फोकस करवाता हूँ, ये बात आप ध्यान से सुन लो कि क्वेश्चन को रिलैक्स और तरीके समझना है। ऐसे दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, उन दोनों क्वेश्चनों को आप तभी कर पाओगे जब आप एक क्वेश्चन ढंग से समझ लोगे, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर इसका डिवाइड कर दिया, तो माइनस तो हट ही गया,
इसके साथ ए भी है जो अपना रह गया, लगा देते हैं भाई, ये लो भाई। अब एक बात बताइए, मैंने माइनस हट गया तो क्या रह गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का भाग लगाया तो वाई बराबर ए कैन ए रहेगा भाई इसमें, ए कोसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन क्या रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह ए अपॉन कॉस थीटा और क्या कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड किया, तो बताओ एक कोसेक से एक कोसेक चला गया। अब जो बचा वो देखो y बराबर a एज इट इज कोट को बदल दिया cos थीटा बटा sin थीटा, और ये cosec बचा वो कहाँ पहुँच गया ऊपर sin थीटा में, माइनस a अपॉन cos थीटा ये ऊपर जाके क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा। बताइए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल आपको, बता दीजिए आप लोग। अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, साइन से साइन थीटा कटेगा, ये नहीं कटेगा, थोड़ा बैक चल लेते हैं, ये लो हट गया, ये साइन थीटा कट गया, वाई बराबर ए कॉस थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों एक बात बताओ, ये एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो, ये एलसीएम आ गया तो ए तो कॉमन आ रहा था बाहर ले लिया मैंने, बताओ इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, बन गया ना, और ये किसका ये क्या प्लस से, देखो कितनी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब माइनस यहाँ से चला गया तो ये तो प्लस ही रहा, ये भूलने की चीज़ें होती है कि बताओ, वाई बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। अब आप सोचोगे सर भूलते तो नहीं है, लेकिन अब ये कैसे सुधारें हम, तो आप जब लाइव क्लास लोगे उस समय आप ये चीज़ें बोल पाओगे, तो मेरा भी आप ध्यान रख पाओगे, तो ध्यान देंगे y बराबर a अपॉन cos थीटा, तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई a अपॉन cos थीटा, और ये जो समीकरण थी वो कौन सी है एक हो गई, और ये सेकंड समीकरण हमने डाल दी। बोलिए बच्चों बताओ क्लियर है, बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया, अभी वाई की वैल्यू याद की, अब करोगे क्या इसके बाद, इसके बाद आप क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन कहाँ है पिछले पेज पर देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कौन सा वाला समीकरण नंबर एक वाला, ये रहा समीकरण नंबर एक, इस समीकरण एक में वाई का मान रख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं समीकरण एक में वाई का मान, तो देखिए आप लोग समझिए और जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो मैं एक बात आपसे बोल देता हूँ, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको करना क्या है आपको समझना है, रख दे। तो समीकरण एक में हमने क्या किया, समीकरण एक में y का मान रखने पर, एक बात बताओ y का मान रखने पर, तो y क्या है a अपॉन cos थीटा, समीकरण पर आओ, एक कौन सा रह गया ये रहा वाई कॉट थीटा माइनस एक्स, वाई कॉट थीटा अर्थात ए अपॉन कॉस थीटा, आप जानते हो ना वाई की जगह रख दिया, और फिर क्या है कॉट थीटा माइनस एक्स इक्वल टू, आइए अगली इक्वेशन, ये रहा ए कॉसेक थीटा, ये क्या लिख दिया एक बात तो है माइनस प्लस का है ना, प्लस माइनस एक्स है और इक्वल टू एक तो वाई कॉट थीटा माइनस एक्स, बिल्कुल सही है, फिर ए कोसेक थीटा, अगले वाले में क्या आएगा ए कोसेक थीटा और फिर आएगा माइनस ए और आपके पास लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ये समीकरण है आप देख लीजिए, तसल्ली से आप देख लीजिए क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो अपन लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। चलें अपन एक बात बताओ, आप लोगों ने यहाँ से देखा होगा ये क्या होता है ए अपॉन कॉस थीटा, आप भी जानते होंगे ये तो कॉस थीटा बटे क्या होता है
साइन थीटा, ये माइनस एक्स हो गया, ये हो गया ए कोसेक थीटा, माइनस का ए लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। आप बताइए इससे क्या कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस जा चुका है, गया कि नहीं गया बताइए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके सामने वो देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, ये बचा अपने पास ए कोसेक थीटा, तो इसका भी भाग लगा दो पहले, चलो लिख देता हूं ए कोसेक थीटा, यहां से ये बचा माइनस एक्स हो गया इक्वल टू ए कॉमन आ गया, और कोसेक थीटा माइनस लॉग टेन लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, देख सकते हो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब एक बात बताओ तुम लोग, कोसेक थीटा का भाग लगाऊंगा ना, तो ए एज इट इज है ए एक माइनस का एक्स बटे कोसेक थीटा डिवाइड होगा ना, ये इक्वल टू ए सिंगल रह गया, राग नहीं रहा, कोसेक थीटा का डिवाइड हो गया और माइनस का चिन्ह, क्लियर है, और इसके साथ कोसेक नहीं था हुँ? इस वाले टर्म के साथ कोसेक नहीं था क्या, जो अपन ने लॉग टेन, इसके साथ मेरे हिसाब से कोसेक नहीं था, ये तो डायरेक्ट ही अपना कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड लगा के बाद में कैंसिल करूँ, ये डायरेक्ट ही हो रहा है, देखो ए कॉस थीटा था ये चला गया पूरा का पूरा ही, देखो वो मैंने कॉमन लिया है ना, उसको लेने की जरूरत नहीं है, जो बचा है वो देखो ऊपर वाली स्टेप में ही हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। एक बार बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, देख सकते हो आप x अपॉन ए लॉग टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई टू। बच्चों बताओ कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिस्टम से आपको चलना है तो आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात और बताओ आप लोग, इस टर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग हटाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए की पावर x अपॉन ए, बताओ लॉग हट गया क्या रह गया, टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, रहा नहीं रहा बताओ, आप बता दीजिए, लोग उठाया तो e की पावर आ गया टेन एज इट इज थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अब इसको डाल दो समीकरण नंबर तीन, अब मैं यदि इसका उल्टा लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, इसका उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, वो क्या होगा, टेन का क्या बदल जाएगा, कॉट थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। इसको समीकरण क्या बोलोगे आप, इसको तीन हो गई तो वो क्या हो गई आपकी, वो चार समीकरण हो गई। आप देखो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर आप चार को क्या कर दोगे ऐड, तो ए की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए बराबर टेन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर एंड प्लस कॉट थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। बोलिए भैया आप लोग, दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, टेन को और कोट को। अब एक बात बताओ आप लोग सभी बच्चे ध्यान दोगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान दे रहे होंगे, एक्स अपोन ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए, उम्मीद ही की जा सकती है, आप भी समझ रहे हो ना, तो आपसे कोई बात हो रही है, केवल मैं पढ़ा रहा हूँ बस, ये अनुमान लगा रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो। साइन ये कॉस हो गया, ये थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, फिर प्लस का ये हो गया कॉस थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, नीचे क्या हो गया साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। देख सकते हो मैंने क्या किया, टेन को साइन बटे कॉस में बदल दिया, कोट को मैंने कॉस बटे साइन में बदल दिया, क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें एलसीएम लो, ए की पावर एक्स अपोन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए, एलसीएम लीजिए इसमें क्या आएगा, एलसीएम कॉस थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर और साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। आप बताओ एलसीएम लूंगा तो यहाँ से कॉस कट गया तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा
थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। समझ में आ रही बात आपको? ये बात आ रही होगी मेरे हिसाब से समझ में आप लोगों को। बताओ यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा ये तो वन हो गया ऊपर, तो अब मैंने क्या किया दोनों पक्षों में दो का डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी वन बाई टू से गुणा कर दिया। क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अब आपके हिसाब से पता नहीं। ये क्या हो गया ए की पावर एक्स अपोन ए प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपोन ए इक्वल टू ये बन गया अपने पास वन अपॉन टू साइन ए कॉस है वही साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का मतलब कितना हो गया पाई बाई टू प्लस थीटा। समझ गए होंगे आप लोग? बताइए आप बताओ यहाँ पर भी तो था वो टू, ये रहा टू। तो देखो मैं क्या करना चाहता हूँ e की पावर x अपोन ए प्लस e की पावर माइनस x अपोन ए अपॉन टू और ये बन गया आपका वन अपॉन कॉस थीटा। आप एक बात नोट करें पहले कहीं पर ऐसी वैल्यू आई है जिस पे आप मान रखोगे। देखो बच्चों आपके पिछले वाले पेज पर आप देखो y की जो वैल्यू है y अपॉन देखो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए y अपॉन a बराबर क्या है वन अपॉन कॉस थीटा है कि नहीं पलते बात बता दीजिए आप लोग है ना। तो मैं वन अपॉन कॉस थीटा की जगह y अपॉन a रख सकता हूँ ना वन अपॉन कॉस थीटा की जगह। तो कौन सी समीकरण थी वो समीकरण नंबर दो से। तो देखिए मैंने क्या कर दिया समीकरण नंबर दो को यूज किया। समीकरण नंबर दो से e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन टू इक्वल टू y अपॉन a देख समझ सकते हो आप लोग। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ऐसे तो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो सुनो। इसको डाल देता हूँ मैं समीकरण कौन सी तीन हो गई इसको डाल दिया मैंने चार चार बोरी पाँच। अब सुनिए आप लोगों को नहीं पता तो हम बात करते हैं e की पावर थीटा। आप लोग याद करो e की पावर थीटा को हम जब ओपन करते हैं तो बनता है हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जब e की पावर आयोटा थीटा को खोला गया। क्लियर है मैंने क्या बोला आपको? e की पावर आयोटा थीटा खुलता है तो क्या आता है कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। यदि मैं बात करूं इसी में आयोटा नहीं आता है इसी में आयोटा नहीं आता तो खुलता है कॉस हाइपरबोले थीटा प्लस के साइन हाइपरबोले थीटा। इसमें क्या नहीं आएगा आयोटा नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों e की पावर माइनस थीटा खोलूंगा तो कॉस हाइपरबोले थीटा माइनस के साइन हाइपरबोले थीटा आ जाएगा बस केवल। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यदि मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो देखो क्या बनता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बराबर ये कैंसिल हो गया टू कॉस हाइपरबोले थीटा। मिल रहा होगा आप लोगों को? बताइए मिल रहा है? तो यही चीज़ थीटा की जगह x अपॉन a है बस इतना सा फर्क है। यदि टू को मैं इधर ले आता हूँ तो आप समझ सकते हो टू को मैं यदि डिवाइड लगा दूँ इधर तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ लिख देता हूँ e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन टू बराबर कॉस हाइपरबोले थीटा। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए तभी हम चल सकते हैं। बताइए क्लियर है? क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे e की पावर थीटा इस तरह से ओपन होता है e की पावर माइनस थीटा ओपन होता है दोनों को ऐड किया तो वो टर्म आपके सामने आ गई। अब समीकरण नंबर डाल दो इसको कौन सी सिक्स डाल दीजिए। अब समीकरण पाँच और छः मतलब छः का यूज पाँच में कर देते हैं। तो देखिए आप लोग छः का यूज पाँच में करोगे तो बताओ LHS में जो टर्म है आपकी e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन टू ये वाली जो टर्म है इसका मान क्या रखोगे cos हाइपरबोले थीटा। तो देखिए ध्यान देंगे y अपॉन a बराबर cos हाइपरबोले थीटा तो y बराबर जो आ गया a cos हाइपरबोले थीटा यही आपका क्या है अभिष्ट एनवलॉप की समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना आप लोग। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? क्वेश्चन को धीरे 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 आपको समझना है और उसके बाद जाकर के आपको क्या करना है लिखना है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर
आगे खूब पढ़ोगे आप, यदि आयोटा होता तो कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा होता, और यदि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा खुलता तो वो क्या होता, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों को जोड़ता तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वो होता टू कॉस थीटा, मतलब हाइपरबोले नहीं आता यदि आयोटा होता तो। समझ में आ गई बात आपको, यदि घटाता तो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये कैंसिल हो गया तो ये प्लस का हो गया टू आयोटा साइन थीटा, तो ये बन जाता e की पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस के e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा इक्वल टू साइन थीटा। समझ रहे हो आप लोग, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस शर्त है कि आप लोग उसको ध्यान से समझें। तो अब एक बार आप नोट कर लें इसे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, आप जो रह जाते हैं थोड़ा बाद में भी लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहो तो ले सकते हो। देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो केवल समझने के लिए लिखा है मैंने, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ तो भाई, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो सुन लीजिए ध्यान से, जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो सुन लीजिए। मैंने ये बोला था आपको कि यदि आपको सेमेस्टर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट और उसमें सेमेस्टर सेकंड की कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स चाहिए, ध्यान रखना मैथमेटिक्स का कंप्लीट यदि आपको सिलेबस चाहिए, तो मैंने ये बता रखा है आपको, क्या बता रखा है
कि आपको इस पर कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा। जैसे एक लेक्चर अभी कल का जो लेक्चर है वो इस पर आपको नहीं मिला है यूट्यूब पे, तो आप समझ सकते हो मैंने आज फिर आपके लिए जो है एक बार इन्फॉर्मेशन दी है। जिस किसी को भी कंप्लीट सिलेबस चाहिए वो ध्यान रखें मेरे को कॉन्टैक्ट करें, और जिससे मैं उसका कोर्स भी स्टार्ट करूं और साथ में किस तरीके से उसके पास मेरा कंप्लीट कोर्स पहुंचेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। ठीक है भाई, तो इस विशेष बात को भी ध्यान रखें। आज मैं YouTube पे डाल रहा हूँ क्लास, इसका मतलब ये समझ लेना आप लोग कि आने वाली जो क्लासें हैं उसमें से जैसे एक या दो क्लासें बीच में मैं डाल सकता हूँ मान लो, बाकी नहीं क्लासें आएंगी, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए मेरे को कॉन्टैक्ट ज़रूर करें जिससे पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं हो। क्लास रेगुलर चलेगी, रेगुलर चल रही है, लेकिन आप समझ सकते हो आपके पास क्लास नहीं आने का रीज़न है कि आप लोगों को मेरे को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ भाई, इस बात पर विशेष गौर कर लेना आप लोग, क्योंकि आप बताएं आपको क्लासें दो तीन मिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी आपको। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि मेरी जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, ओनली ये रहेगा कंप्लीट जो सिलेबस है आपका उसका जो चार्जेस है वो रहेगा 499 रुपये। ध्यान रखना इस बात को, बहुत कम बहुत मिनिमम चार्ज है ये बात याद रखिए। और इस चार्ज में आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट का मतलब है सेकंड सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है जैसे एक चैप्टर आपको करवा दिया दूसरा छोड़ दिया, आपको कंप्लीट मिलेगा। इतना मैटर मिलेगा कि आप खुद सोचोगे कि हम ऑप्शन ढूंढोगे आपकी कौन सा क्वेश्चन करें। दूसरी बात, आप अच्छे से जानते हो क्योंकि कंटिन्यू कोई क्लास पढ़ा रहा है, जैसे मान लो कोई BSc में कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो बुक आई है वो ऐसी आई है कि जो कंटिन्यू यदि क्लास BSc को टीच कर मतलब पढ़ा रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है सुनो, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे कैलकुलस आया जिसे अवकलन बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, और दूसरा आया समाकलन, ये पहले ही थी भाई, ये तो पहले ही चल रही थी, और एक आया सदिश कलन, ये भी पहले ही थी, सेम है बिल्कुल, कुछ चेंजेस ही नहीं किया गया। क्योंकि सेकेंड ईयर में जो वेक्टर कैलकुलस है आपके, वेक्टर कैलकुलस के साथ ऐड कर रखी है, जो सॉरी वेक्टर कैलकुलस जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ है। एक पेपर होता है जो सेकेंड ईयर में पढ़ते थे बच्चे, वो बोला जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उस न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ में एक वेक्टर कैलकुलस का पेपर और ऐड था, वो वेक्टर कैलकुलस जो है आपका वो इसमें ऐड कर दिया बस केवल। तो कोई टेंशन नहीं है, पूरा सिलेबस मिलेगा, तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 100% क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट वगैरह नहीं, इन पूरी आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे 100% क्वेश्चन मिलेगा। बस शर्त है, आप लोगों से बोला मैंने कि आपको क्लास के लिए मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात आपसे अभी भी बोल रहा हूँ मैं, फिर बाद में आप पीछे रहोगे दिक्कत आएगी। दूसरा, मेरे यूट्यूब पर जो चलेगा वो सुन लीजिए ध्यान से, यूट्यूब पर कंप्लीट क्या चलेगा, यूट्यूब पर कंप्लीट सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहेगा यूट्यूब पर। ध्यान देंगे आप लोग यहां पर, एक और चीज रहेगी, वो क्या रहेगी वो सुन लीजिए, वो यहां पर हम बात कर लें 11th क्लास मतलब जैसे यहां पर सॉरी आपको जो भी छोटी चीज़ें वगैरह जो भी है YouTube पे भी आपको मिलती रहेगी। ये ली मान लो आपने किसी भी बच्चे ने मान लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो YouTube पे मिलेगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी YouTube पे मिलेगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करो। इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एक बात और ध्यान रखना, बहुत कम चार्ज है, लेकिन ये भी आप समझ सकते हो कि हर हाल में ये चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चार्ज है ये, और इसमें आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैथमेटिक्स आपकी कवर करवा दी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये भी ओनली ध्यान रखें, ये जो ऑफर है वो भी ओनली कितने दिन रहेगा आप ध्यान रखें, ये ऑफर रहेगा ओनली 15 अप्रैल, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए आप, क्लियर है? तो आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे लें कि 15 अप्रैल तक का ये ऑफर रहेगा, इसके बाद रेट क्या होगी क्या नहीं होगी वो आगे की कहानी है। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, और जिसको भी क्लास लेनी है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अब कल की क्लास में अपन आगे चलेंगे।
धीरे धीरे क्लासों का टाइम ही बढ़ेगा। दूसरी बात, क्लास आपकी होगी लाइव, ध्यान रखना इस बात को। वो तब होगी जब मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको ऐड करके फिर चालू कर दूंगा आपकी, ठीक है भाई क्लास। थैंक यू आज के लिए।